चिंतपड़ा बनाम धाकती जुई के बीच का ये शानदार जानदार मुकाबला आपके सभी के आंखों के सामने है। तो इस बार धाकती जुई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए चिंतपड़ा टीम को न्योता दिया है। और सलामी बल्लेबाज अर्जुन परदेशी और राकेश भोईर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए धाकती जुई टीम के गेंदबाज कौन आएंगे देखना पड़ेगा। सैम जी घरत एक मराठी के बेहतरीन कमेंटर और निशी घरत जोबर हिंदी के सुंदर कमेंटेटर, उनके गांव की टीम, उन दोनों का हार्दिक स्वागत। एक बेस्ट हमारे स्कोरर उमेश भाई, इनकी ये गांव की टीम है, उमेश जी भोईर इनकी गांव की टीम, चिंतपड़ा टीम, तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए। मैच को शुरुआत होने जा रही है और डिसाइड किया है, इस बार देखा जाए, गेंदबाजी करने का फैसला किया है धाकती जुई टीम ने। मैच रेफरी हमारे पपे भाई इस बार हमारे कमेंट्री बॉक्स में आते हुए, और इस बार सत्यवंशी काकड़े और दरकरण चोरगे सर अंपायर की भूमिका निभाते हुए। रायगढ़ जिले के अंदर क्रिकेट का महाघमासान महाकुंभ मेला चालू है, हर एक गांव में हर एक तालुका में मैचेस और मैचेस ही नजर आ रहे, कमेंटेटर अंपायर सभी जगह पे कम पड़ रहे, इतनी बड़ी टूर्नामेंट आ चुकी है। रोहित घरत गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के धाकती जुई के आरंभिक गेंदबाज है और मुंबई यहाँ पुणे हाईवे एक्सप्रेस जहाँ बहुत ही बढ़िया है, खूबसूरत मैदान। मैच की शुरुआत दोपहर का सत्र बन चुका है और स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी मैदान से मैं अमित जी मात्रे बोल रहा हूँ। साफ आसमान, खुली हुई धूप, रह रहकर चलती हवा, टॉस जीतकर या धाकती जुई टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर जा चुके, स्ट्राइक के ऊपर अर्जुन, अर्जुन के लिए पहली गेंद, अर्जुन गेंद को कट करने गए थे, बहुत ही बढ़िया बॉल, गेंद और बल्ले के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, रफ्तार से इस गेंद को फेंका था और इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, पहली गेंद डॉट। दूसरी गेंद रोहित घरत की लेफ्ट आर्म विकेट से, इस बार स्लोवर आई थोड़ी सी, टप्पा पड़ने के बाद क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं है। एक बार गेंद विकेट कीपर के 10 स्थानों में, ऑफ साइड के ऊपर इस बार देखा जाए तो मेरे हिसाब से 4 खिलाड़ी है, ऑन साइड के ऊपर इस बार देखा जाए 3 खिलाड़ी है, टोटल 9 खिलाड़ी दायरे के अंदर है, 2 ही खिलाड़ी बाहर है। इस बार फंसाया है पूरी तरह से, गेंदबाज की खूबी देखी है, इस बार थोड़ा टप्पा पीछे रखा और यहाँ मिश्रण भी अच्छा था, कामयाबी नहीं मिल चुकी। अर्जुन को राकेश कुछ समझाने के लिए गए, 3 लगातार गेंदें डॉट जा चुकी है, प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है इस बार देखा जाए चिंतपड़ा टीम के ऊपर। पहला मैंडेटरी पावर प्ले, एक लॉन्ग ऑफ एक लॉन्ग ऑन है और बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर ही। इस बार ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ ये गेंद शॉट, लेकिन सिंगल मिलेगा, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद को फील्ड किया, पहला रन चिंतपड़ा के खाते में, पहला रन मिला अर्जुन को, टीम का स्कोर 1। अभी तक इस ओवर की 2 गेंदें शेष। आइए एक क्विरा इवेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं सुंदर जबरदस्त आयोजन नियोजन, डीजे नितिन धुंधरे के, और इस बार हवा में साउंड सिस्टम है लेकिन क्या कैच, गुड कैच, सही जज किया, राकेश के पारी का खात्मा, अंडा लेके वापस। मिस टाइम शॉट और नए बल्लेबाज जा रहे ओमकार केनी, ओमकार केनी मैदान के अंदर। यहां हम देख सकते हैं तो चिंतपड़ा टीम का स्कोर है 1, 1 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, 4 ओवर का मुकाबला है। दोपहर का सत्र, तमाम दर्शक मौजूद है,
शॉट डिलीवरी जरूर थी, लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उनको फील्ड किया, एक सिंगल मिलेगा ओमकार को। और एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद चिंतपड़ा टीम का स्कोर है 2-1 विकेट के नुकसान पे। अभी तक 18 गेंदों का खेल शेष। ये मंच हमारा पूरी तरह से निकल गया है। इस बार हमारे चांबो भाई मौजूद है। गाल देखे कैसे टमाटर जैसे मजबूत है। कोई अगर हाथ मार भी सकता है तो बोल सकते हैं कि किधर था, इतने सालों से मिला नहीं। ये महत्वपूर्ण है। और उनके साइड में उनके दोनों हेडमास्टर बैठे हुए हैं, मतलब कि क्या चांबो को सूचना भी दे सकते। चांबो अगर गाइड चाहिए तो हमसे संपर्क जरूर कीजिए। मात्रे साहब और संदीप जी पाटिल मौजूद है, और यहाँ गेंदबाज आए अंकेश पाटिल। स्कोर है 1-2 एक विकेट के नुकसान पे। 18 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। सामने इस बार देखा जाए भारत के भूतपूर्व कैप्टन जबरदस्त खिलाड़ी कर्नल दिलीप इंगजरकर साहब, इनकी एकेडमी। अंकेश तैयार है पुणे हाईवे एक्सप्रेस एंड से। शॉट डिलीवरी जरूर, गली के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां। एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ चिंतपड़ा टीम का स्कोर 3-1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर जारी है। अंपायर से गार्ड लेके इस बार बल्लेबाज खेल रहे अर्जुन, जो एक पे खेल रहे, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया। पप्पा और चार्ली ये मात्री साहब के अंगरक्षक है। तो होता है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा ओवर जारी है, फिर भी दर्शकों की उपस्थिति बहुत ही प्रार्थनीय है, और तमाम दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। उन दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। और हवा में लाभ मिट के बाहर, 6 रन आई। तुझे दिखे गए लेकिन मुझे दिखा ना, मैं बोला तो बोला। टाइमिंग भी बेमिसाल था, मिड विकेट के ऊपर नंबर 6 आया, और स्कोर 9 लॉस ऑफ 1। टप्पा पीछे रखने के बाद देखिए टपका दिया मिड विकेट के ऊपर, शानदार तरीके से ऑन द पिक किया, और स्कोर 9 के घर में पहुंच चुका है। नाइन पे स्कोर। चिंचपड़ा बनाम डॉक्टर जी के बीच मुकाबला चल रहा है। डॉक्टर जी टीम पहले गेंदबाजी कर रही है, चिंचपड़ा टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। स्कोर है 9 लॉस ऑफ 1। और इस ओवर की 4 गेंदे अभी तक शेष है। अर्जुन इस 6 के साथ पहुंचे 7 पे। परदेशी जो स्ट्राइक के ऊपर है, सलामी बल्लेबाजी चिंचपड़ा के। और ये गेंद खराब है, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। अंपायर चोर के सामने उसी वाइड घोषित किया। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 10 के घर में। अंपायर की जोड़ी भी अच्छी है, जय वीरू जैसी है। शोले पिक्चर की याद आ गई, हमें तो बच्चन साहब धर्मेंद्र साहब ऐसे ही दिख रहे थे। और गई और गई और गई, ये 6 रन के लिए गई। दूसरा दंडन तो हुआ चक्का। अब डॉक्टर जी के कप्तान को सोचना होगा कि जब रोहित ने अच्छी गेंदबाजी की, और उसके बाद जब मैंने अंकेश पाटिल को लाया क्या, और उसके बाद हमला चालू हुआ क्या। 16 पे स्कोर जा चुका है 16। स्कोर, और या थोड़ी पाबंदी, और पाबंदी के तौर के ऊपर हम चल भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोपहर का सत्र, भोजन का टाइम हो चुका है। अंपायर ये से एक सोच रहा है कि एक तो खाना खा गया है, दूसरा मैं कभी जाएगा, लेकिन तीसरा आएगा तो दूसरा जाएगा। 16 लॉस ऑफ 1 विकेट। हाथ तो जयंती है, शाम को सभी प्रसाद लेने के लिए आइए।
वन विकेट अंकेश, अर्जुन और जड़ में फेंकी हुई गेंद, ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद थी, एक सिंगल मिलेगा डिबैक्टा कोर खिलाड़ी आई गेंद को उठ, और ये अंपायर क्या है, ये क्या जरूरत थी हवा में बल्ला यह करने की, अपने पैरों के ऊपर कुलाड़ी मारी, आप पचताए होते गए जब चिड़िया चुग गई खेद, अर्जुन बाहर। अर्जुन बाहर आया है, लय में अच्छा चल, लय मिल चुकी थी खेलने के लिए, फिर रिटर्न गए और बल्ला टेकना चाहिए तो बल्ला हवा में रखा, हंसेगा नहीं तो करेगा रोएगा थोड़ा, ये स्कोर हो चुका है 17 लॉस ऑफ 2 17 स्कोर दो संख्या 17। और नेक्स्ट मैच है करंदाड़े बनाम जावले की बीच होगा, और इस बार बहुत ही बढ़िया बॉल, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, यही गेंदे फेंकना चाहिए था, अर्जुन बाहर जाने के बाद थोड़ा स्कोर रुकने जा रहा है, लेकिन 17 पे तो विकेट बाहर जा चुके, इस ओवर की होगी अंतिम बॉल, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद शेष। यस, तो इस बार देखा जाए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है संदीप जी पाटिल को, तेजस मात्रे साहब इनके शुभ हाथों से अवार्ड, कैमरामैन कैद कीजिए इन्हें, और इसी के साथ ये दो रन मिलेंगे जो दूसरे के लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और दो के साथ आप देख सकते हैं टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है, स्कोर पहुंच चुका है 19 दो विकेट के नुकसान पे, दो ओवर के समाप्ति के बाद दोन षटकानंतर इतर चिंतपणा संघाची धावसंख्या ती 19 दोन गडी बाद 19। देखिए दोनों काफी करीबी दोस्त है, दोनों एक दूसरे को पहचानते, लेकिन आप क्रिकेट के लिए योगदान दोनों दे रहे, और उन्होंने कह दिया कि गदाधारी भीम निकलो हमारे एक सेल्फी, 19 स्कोर लॉस ऑफ 2 छोटा भीम, यस दो विकेट के नुकसान पे, आज बल्ला उनका चला नहीं, लेकिन उनके जो 24 इवेंट के मालिक संदेश पाटिल ने अच्छा काम किया, और तीसरा ओवर जारी है गेंदबाजी करने के लिए, कप्तान इस बार डॉक्टर जी की कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे हैं आदेश पाटिल को, जावड़े बनाम करंदाड़े के बीच होगा नेक्स्ट मैच, दोनों कप्तान को हम सूचित कर रहे हैं कि टॉस करने के लिए आप तुरंत हमारे टॉस बॉक्स से संपर्क कीजिए, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर वही भूपी हमें दिख रहे हैं, अंदर से दिख रहे हैं, मतलब स्क्रीन की क्लैरिटी कितनी देखी है, दोनों हमें अंदर दिख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर नहीं है, और ये गई ये गई ये गई ये गई, वाह बढ़िया है बढ़िया, क्या कैच का लपक लिया हाइटेड आदमी, जम मारी जय बजरंग बली जैसी, और छलांग लगाकर इस कैच को पकड़, नतीजा ये गेंद बाहर ही जाने वाली थी, गुड कैच, अपना बैलेंस को देखा, जैसे सुपरमैन जंप मारता उस तरह से मारा, पकड़ लिया, एक बार उड़ चुकी थी, दूसरी बार पकड़ लिया, और स्कोर पहुंच चुका रुका हुआ है 19 लॉस ऑफ 3 विकेट। रोहित गरत नए बल्लेबाज, नई बल्लेबाज रवि पाटिल मैदान के अंदर, स्कोर 19 3 विकेट के नुकसान पे, लेट जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2023 का ये खूबसूरत आयोजन नियोजन नवीन पनवेल में, रवि पाटिल तैयार है, पहली दफा गेंद को खेलेंगे, आदेश ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, जा कव कॉर्नर के क्षेत्र में, इस बार सिंगल मिलेगा, और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 20। ओ चट्टा मिट्टा वाले इधर आइए,
20 स्कोर 3 विकेट। व्हाट अ शॉट, लेकिन क्या है, अरे छोड़ो मत भाई साहब, छोड़ो मत छोड़ो मत, कैचेस विन द मैच क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच। और दो रनों के साथ स्कोर 22, लॉस ऑफ 3 विकेट। तीसरे ओवर की मेरे हिसाब से यार 3 गेंदे हो चुकी है, 2 गेंदे इस बार, अभी तक 3 गेंदे शेष है। 22 रन, हवा में कैच, गुड कैच, और इसी के साथ लगभग देखा 4th विकेट गिरता हुआ। और सूरज अभी वापस जा रहे 4 रन बना के, अभी ओमकार आउट हो चुका है। चार विकेट मैदान से बाहर, यस ओमकार मैदान से बाहर चले गए। और स्कोर है इस बार चिंतपड़ा टीम का 22, 4 विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज आए हैं सुलभ केनी। आदेश की गेंद केनी के लिए, और इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, शॉर्ट एक्स्ट्रा खिलाड़ी ने आकर मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, एक सिंगल मिलेगा, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 23, 4 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की, अंतिम बॉल है, आखिरी गेंद, और इस बार गैप में गेंद जरूर है लेकिन बाउंड्री नहीं। एक क्या बात है यार, जबरदस्त अंपायर आ गए ऊपर, अरे सोच रहा था कि इस बार आम की एक बार आम डाल सकते अंदर, लेकिन कनेक्शन खतरनाक हुआ है। देखो यो दूध का दूध और पानी का पानी करो, आई एक मेरा इवेंट संदेश झेल की। इट्स गॉन आउट, क्योंकि बल्ला हवा में है, करेक्ट हो यार, बाउंड्री से डायरेक्ट विकेट के ऊपर परफेक्ट निशाना। स्कोर इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 24 है, 5 विकेट के नुकसान पे चिंतपड़ा टीम का स्कोर, आखिरी 6 गेंद शेष। और आखिरी गेंदबाज है रोहित, रोहित गलत, स्कोर है 24, 5 विकेट के नुकसान पे चिंतपड़ा टीम का स्कोर। पारी का स्लॉग ओवर, डेथ ओवर, हनामारी का ओवर, ऑन साइड के ऊपर घुमाने की कोशिश की, डी बैकवर्ड स्कोर के ऊपर गेंद चली गई, एक और खराब से त्रचन, दो तीसरे के लिए भागने जा रहा, चार रन बॉल के उधर, देखो क्या लगा है क्या नहीं, बाउंड्री है, लेकिन वो गिरने के बाद थोड़ा धक्का भी लगा कि जरा संभाल के भाई साहब। So
संभाल के संभाल के देखिए, इसे आप रिप्ले में भी देख सकते हैं, 28-5 विकेट के नुकसान पे रेस मत लो, लगा होगा तो तुरंत बाहर आई 28। ऊंचाई ज्यादा दूरी कम है, कैच मुश्किल है लेकिन गुड कैच। जो मुश्किल को उन्होंने आसान बना दिया है, फिर पहला घूमता ही रहा, हवा में देखा, उसके बाद हथेली में गेंद को पकड़ लिया, बैक टू द पवेलियन भेजा, स्कोर है 28, 6 विकेट के नुकसान पे चिंतपड़ा टीम का स्कोर। आखिरी 4 बॉल से और एक बार फिर से हवा में, लेकिन फील्डर मौजूद है। गुड शॉट और आउट। टीम का स्कोर 29, 6 विकेट के नुकसान पे दयनीय अवस्था जिन बड़ा टीम की। क्या घातक गेंदबाजी चल रही इस बार देखा जाए पूरी तरह से, और ये आखिरी गेंदबाज रोहित गर्ग बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करे अपनी टीम के लिए, मस्त गेंदबाजी। और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका 30। गुड शॉट, हेड्स गोइंग, हेड्स रॉकेट, इट इज यूज मल्टी सिक्सर। आखिरी गेंद के ऊपर 6 और स्कोर 36। जीतने के लिए धाकटी हुई टीम को चाहिए 24 बॉल 37 रन।
सिटी और उसके बाद तो क्या अलग ही बात हो गई। 184 डिफेंड करने में उन्हें दिक्कत पैदा हो गई और पहला विश्वकप हिंदुस्तान में लाया, वो छोटा सा स्कोर था। फुल टॉस लेकिन बाहर, 6 के साथ शुरुआत, धमाकेदार नंबर आए 6। सिक्स और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर पुल करने का प्रयास किया था लेकिन कामयाबी नहीं मिल चुकी है, कोर सिक्स में रुका हुआ है, 0 विकेट के नुकसान पे। हरीश गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे, रोहित 6 पे खेल रहे, सनी नॉनस्ट्राइकर एंड पे हैं। और द विकेट से और एकेडमी में गेंद चली गई है, बेहतरीन गगन मामा छक्का, नंबर आया 6 ठोक ठोक। बारह रोहित लय में आया है, जैसे हमारे भारत के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा जब लय में आते हैं तो गेंदबाज उनके सामने लस्त पस्त हो जाते, उसी तरह से ये इस बार देखा रोहित भी लय में आ चुके हैं। उन्होंने हमला किया हरीश के ऊपर और 2 छक्के आए इस 3 गेंदों के ऊपर, स्कोर 12 के घर में। टेलवरन लॉस ऑफ 2, शॉर्ट डिलीवरी जरूर थी लेकिन इस बार जायक्स्टा कोर के ऊपर खेलने का जो प्रयास था उस प्रयास के तौर के ऊपर कामयाबी मिली नहीं है। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, सिक्स रन। अठारह स्कोर, रोहित की वार्ड बल्लेबाजी चल रही, मैदान के अंदर धूमधाम से आक्रमण कर रही और इस बार ऑन साइड के ऊपर टर्न करने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं है। और फर्स्ट ओवर के बाद हम देख सकते हैं तो धाकटीजी टीम का स्कोर पहुंचा 18 विदाउट लॉस, जहां लगभग देखा जाए तो अभी जीतने के लिए 18 बॉल में 19 रनों की जरूरत थी, 37 रनों का टारगेट। नेक्स्ट मैच करण दाड़े बनाम जावड़े के बीच है, दोनों कप्तानों को हम निमंत्रण दे रहे कि टॉस करने के तुरंत कमेंट्री बॉक्स संपर्क कीजिए। एटीन बॉल 19 रन और दूसरे गेंदबाज आ चुके चिंदपाड़ा की तरफ से विशाल, रन आउट का मौका अब भागो लेकिन रोहित इस बार देखा जाए तैयार नहीं थी। स्कोर 19 में स्कोर जा चुका है, विदाउट लॉस से काम चल रहा है, जीतने के लिए 17 बॉल 18 रन। देखना पड़ेगा अभी विकेट की जरूरत है और विकेट निकालना चाहिए, वैसी गेंदबाजी करो। इस बार मिड विकेट के ऊपर खेला हुआ शॉट है,
एक सिंगल मिलेगा, बढ़िया फील्डिंग। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 20 के घर में, 20 पे स्कोर जा चुका है। 16 बॉल में 17 की जरूरत है। कुछ एक आध दो तीन विकटे जा सकते हैं तो बड़ा प्रेशर आ सकता है, लेकिन इस बार गेंदबाजी वैसी नहीं हो रही है कि जैसी होनी चाहिए। विकटों की जरूरत है, वो विकेट निकालना चाहिए। और इस बार ये गेंद खराब गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर चौके साहब जी ने खट्टा मीठा खाया और कह दिया वाइड गेंद है। और एक के सिंगल के साथ स्कोर आगे 21, ऑफ स्टंप से ज्यादा ही बार थी, स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे। तैयार एक बार फिर से विशाल बॉलिंग मार पर, और एक बार फिर से इस बार यहां रनआउट का मौका, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 22। टॉस करने के लिए जावड़े कप्तान और करंदड़े कप्तान, आइए आपको हम बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो जल्दी ऊपर आइए जहां हमारा इस बार टॉस बॉक्स आपका इंतजार कर रहे हैं। जावड़े कप्तान आए हैं तो हम करंदड़े कप्तान, 22 स्कोर, वाइड गेंद स्कोर 23, 15 बॉल जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। बहुत बढ़िया इस बार देखा जाए काम किया है संदेश जी शेलके ने, देखिए एक जगह वो देख रहे हैं और दूसरी जगह हम देख रहे हैं, मैदान पे हम नजर मारने की जरूरत, इतनी क्लियरिटी जबरदस्त दिख रही है। ओह हल्के हाथों से डिफेंड किया, इस बार देखा जाए कवर के ऊपर फील्डर मौजूद है, वहां एक सिंगल जरूर मिलेगा। और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है इस बीच 24। इंटरनेशनल में कैसे बड़े बड़े टीवी हो जाते हैं, उनकी स्क्रीन अलग होती है, लेकिन यह भी अच्छा किया कि उन्होंने हमारे अंकों के सामने इस बार देखा जाए स्क्रीन को रखा हुआ है। और व्हाट अ शॉट, इस बार हवा में कैच की संभावना नहीं, गेंद चली गई आसमान से बातें करने के लिए, नंबर आया 6, स्कोर आगे 30। ये टूर्नामेंट का 78वां सिक्स, 13 बॉल जीतने के लिए 7 रन, जबरदस्त काम चल रहा है इस बार। याद देखिए 13 बॉल में 7 रनों की जरूरत है। और ये गेंद वाइड है, खराब गेंदबाजी चल रही है, अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है, स्कोर हो चुका है इस बीच 31। 13 बॉल में जीतने के लिए 6 रन के, इस बॉल के ऊपर छकड़ी मारकर इस मैच को जिताएंगे बल्लेबाज, महेंद्र धोनी स्टाइल से याद दिलाएंगे। और हवा में जरूर, लेकिन कैच की संभावना लगभग, और क्या ड्रॉप, ये देखिए चिन्ह पड़ा वाले, लगता है तुम ऐसा काम करेंगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास ढल जाएगा। और एक सिंगल के साथ स्कोर 32, 12 बॉल जीतने के लिए धाकटी टीम को चाहिए 5 रन। आसान हो चुका है, लेकिन हम ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कह रहे कि ये मैच आसानी से जीत सकते, अगर मेहनत और मशक्कत ले सकते, बॉलिंग अच्छी चल सकती है, विकेट है 2-3 निकाल सकते हैं तो मैच के अंदर जान आ सकती है। और अंपायर शिवदास जी वाघमारे, देखिए कैमरे ने उनको कैद किया है, क्या चेहरे के ऊपर की हंसी है, आज भी कोई बोल सकती है तो पसंद नहीं, नहीं लेकिन बैट्समैन पसंद है वो कह रहे। अंपायर क्या होते हैं मैच के अंदर, बहुत हीरो होते हैं, उनके ऊपर फोकस भी ज्यादा होता है, लेकिन ड्यूटी उनकी बहुत ही खतरनाक होती है। यस हुक किया और फिनिश, मध्य धोनी स्टाइल से 2011 के विश्व कप की याद दिलाई, मैच को जीता। इस बार देखा जाए धाकटी टीम ने पहाड़ों से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकरा जाए उसे युवान कहते। वेल डन धाकटी टीम, और हार्ड लक चिंत बड़ा टीम।